अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी रोड पे इस तरह चाइनीज़ फूड बनते देखा है? अगर नहीं देखा तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ जी 11 मेन मरकज़ में। ये इनका एक छोटा सा सेटअप है लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ मौजूद हैं। ये 3 से 4 भाई हैं, ये इकट्ठी चाइनीज़ फूड बनाते हैं। इनके पास हर किस्म का चाइनीज़ फूड अवेलेबल है। जब भी आप जी 11 मरकज़ में आएँ, डी वाटसन फिज़ान मदीना की बैक साइड पे ये मौजूद है। सबसे पहले मैंने इनका एक सूप ऑर्डर कर दिया, चिकन कॉर्न सूप। यकीन जानिए कि सूप इंतहाई मज़े का था। सॉस के बगैर इसका इतना टेस्ट था कि मैंने सॉस को साइड पे कर दिया और बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दिया। आप यकीन जाने कि मैंने बहुत ही कम ऐसे सूप ट्राई किए हैं जो सॉस के बगैर, जिनका टेस्ट 100% हो। ये वाइट सूप है जिसका सॉस के बगैर भी टेस्ट ज़बरदस्त था। सूप मैंने फिनिश कर लिया। ये इनके पास तकरीबन 6 से 7 टेबल लगे हुए हैं और ये गाड़ियों वगैरह में भी बंदे बैठ के खा रहे थे। मैंने इनका चिकन शाशलिक एग फ्राइड राइस विद ऑर्डर किए थे, 400 की ये सर्विंग थी 1 पर्सन की। यकीन करें इतनी कोई खूबसूरत इनकी एग फ्राइड राइस की सर्विंग थी, जिसके अंदर गाजर थी, फ्रेश ओनियन था, उसके बाद गैबिज वगैरह थी, एग था और भी काफ़ी चीज़ें थी। मैंने सब इसको सिंपल एग फ्राइड राइस ट्राई की, आप यकीन जानिए इतने मज़े के। एक मैंने एग फ्राइड राइस खाए थे 7-10 पीपर पे और सेकंड यहाँ पे मैंने खाए हैं। यकीन जाने इतने मज़े के एग फ्राइड राइस थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। 400 रुपये में जितनी ये क्वालिटी दे रहे हैं, इंतहाई सस्ती और इस बजट में ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी दे रहे हैं। जो इन्होंने चिकन शाशलिक दिया है, मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले इसको सिंपल ट्राई किया जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने इसको सिंपल जब ट्राई किया, आप यकीन जाने कि इंतहाई स्पाइसी, क्योंकि मैंने खुद स्पाइसी रखवाया था, आप इसकी स्पाइसेस नॉर्मल भी रखवा सकते हैं। इंतहाई मज़े का शाशलिक था। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप मंचूरियन करवा लें, लेकिन मैंने खुद शाशलिक रखवाया था। अब चावलों पर मैंने कहा जी मिक्स करके इसकी एक बाइट लेते हैं कि चावलों के साथ ये कैसा होगा, यानी एग फ्राइड राइस के साथ। अमूमन एग फ्राइड राइस तो वैसे भी इनके मज़े के थे। जब इसकी मैंने एक बाइट बनाकर बिस्मिल्लाह की, आप अल्लाह पे यकीन कीजिए इतने को प्यारे इसका मुझे टेस्ट है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो देखते ही देखते प्लेट भी फिनिश होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक दफ़ा लाजमी विज़िट कीजिएगा इनके पास। अल्लाह।